मुझे वाकई में इसका इंतजार था और जैसे विचार की नड्डा जी आपने बात की, मैं तहे दिल से आपका अध्यक्ष जी नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और पूरे जनता परिवार, अब जब परिवार की बात आती है तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आज हम सार्वजनिक जीवन में क्यों हैं। सार्वजनिक जीवन में इसलिए है कि देश और जनता सर्वोपरि होती है। अब बहुत दशक से हम सार्वजनिक जीवन से हैं, प्राय कह सकते हैं कि कॉलेज छोड़ा और नौकरी और धंधे में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रही मुझे। वो अपने अंदर में कुछ होता है ऐसा, वो आप सब जानते हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है जो परिवार सर्वोपरि होता है, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल फैमिली। और मैं अपने तजुर्बे के साथ कहता हूं कि एक सर्वोपरि होता है कि हमें परिवार के लिए काम करना है, और परिवार होता है पॉलिटिकल फैमिली। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दिनेश त्रिवेदी जी को भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल कर रहे हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में देश की सेवा आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करना चाहते हैं। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की तरफ से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। When I talk about Dinesh Trivedi ji, I always say, and I always used to say, that he is a right part person in the wrong party. वो एक अच्छे व्यक्ति, अच्छा व्यक्तित्व एक गलत पार्टी में, और ये वो भी महसूस करते थे। आज उनको जब हम शामिल कर रहे हैं तो मुझे खुशी भी हो रही है कि now the right person is in the right party. सही व्यक्ति सही पार्टी में है जहाँ उनका उपयोग देश की सेवा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कर सकें। और अभी भी अगर हम देखें तो आप राज्यसभा के सदस्य थे, फॉर प्रिंसिपल्स आपने राज्यसभा की सीट छोड़ दी। ये आइडियलिज्म वर्सेस अपॉर्चुनिज्म, यानी अपॉर्चुनिज्म को छोड़कर, अवसरवादी विचार को छोड़कर, वैचारिक पृष्ठभूमि पर आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। और इसमें से हमको यह भी देखने को मिलता है कि आप किस तरीके से वैचारिक दृष्टि से अपॉर्चुनिज्म को छोड़कर, अवसरवादिता को छोड़कर, राज्यसभा की सीट छोड़कर, वैचारिक पृष्ठभूमि पर आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया।